Welcome back guys, this is Sandeep Kumar from GOODLUCK Institute, Faculty of Mathematics. आज हमारी सेकंड वीडियो आने वाली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर. इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट वन बनाया था, वो लिंक में गिवन होगा. आप सेकंड वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल. सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, इसमें हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू. इसमें दो तरीके से डिवाइड होता है सेक्शन को, हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारा इंटरनली और एक होता है हमारा एक्सटर्नली. इंटरनली मीन्स होता है इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट इधर कनेक्ट कर दिया, इधर डिवाइड किया तो वो पॉइंट सपोज हमने मान लिया पी एक्स वाई, तो हम इसको मानेंगे इंटरनली. सपोज अगर हम एक्सटर्नली देख रहे हैं तो इस पॉइंट की जगह ये पॉइंट कहीं एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इस लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई. तो ये हमारा सिलेबस में नहीं है, हमारा सिलेबस में इंटरनली है टेंथ में, तो हम इंटरनली के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसका फॉर्मूला होता है, इसमें दो वैल्यूज निकलती है एक्स की एंड वाई की. रेशियो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा. अगर किसी पॉइंट को, किसी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है सपोज पी रेशियो में, तो पॉइंट हो गया वन वन, तो दैट्स कॉल एम वन एंड दिस कॉल एम टू, एम वन एंड एम टू दिस आर रेशियो. ये रेशियो है जिसको हम बोलते हैं एम वन एंड एम टू, जो हमारा है वन टू वन. ठीक है गाइस, फिर इसके फॉर्मूले पे आते हैं. इसका फॉर्मूला होता है जैसे सेक्शन फॉर्मूले में अगर हम आएंगे इंटरनली, तो इसमें होगा क्या, वैल्यूज होती हैं दो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी एक्स वन वाई वन, पॉइंट बी पे एक्स टू एंड वाई टू, डिवाइड कर दी लाइन को पी जो वन इज टू वन रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो फॉर्मूला होता है हमारा इधर होगी, इसके अंदर दो पॉइंट होते एक्स एंड वाई, तो हमारे को जो कोऑर्डिनेट दिए एक्स वाई इसकी वैल्यू निकलेगी एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू. यहां से वाई की वैल्यू निकलेगी वाई इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू. तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इससे हमारे वैल्यू पता चलेगी, इससे हमें कोऑर्डिनेट पता चलेंगे कि ये लाइन सेगमेंट को जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी. इससे हमारा एक्स निकलेगा, इससे हमारा वाई निकलेगा. दो तरीके से होता है क्वेश्चन, दो चीजें होती है इसमें. पहला फर्स्ट क्या है कि हमें पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया जिस पे वो डिवाइड कर रहा है, उससे हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि रेशियो क्या हुआ. दूसरा हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं कि जिस जिस पॉइंट पर वो लाइन डिवाइड कर रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो ये दो हम सॉल्व करेंगे, हम एक एक एग्जांपल लेके अभी. तो चलो एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट माइनस फोर एंड सिक्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. कह रहे हैं कि एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसमें अंदर एक पॉइंट है माइनस सिक्स एंड टेन एंड बी पॉइंट है थ्री एंड माइनस एट. इसको एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है जो पॉइंट गिवन है माइनस फोर एंड सिक्स. तो इसके अंदर हमारे को फाइंड करना रेशियो एम वन एंड एम टू, मीन्स हम आपको रेशियो फाइंड कर रहा है पॉइंट हमको दिया हुआ है जिस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है और लाइन सेगमेंट दिया है. तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू. तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. यहां पर हमारे को कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो हमारे को कोऑर्डिनेट दिए हैं किसके, जिस पॉइंट पे जो पॉइंट हमारे को डिवाइड करे ए एंड बी, जो लाइनिंग जो लाइन ज्वाइन कर रही है ए एंड बी. तो हम वैल्यू रखते हैं इसमें एक्स इक्वल टू एम वन, एम वन क्या है ये एम वन, एक्स टू दिस इज ये है हमारा एक्स वन, ये हमारा वाई वन, ये हमारा एक्स टू और ये हमारा वाई टू. तो एम वन एक्स टू थ्री,
plus m2 x1, x1 कितना है minus 6 divided by m1 plus m2. अब यहां हमारा x है, x की जगह वैल्यू आएगी minus 4 क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है. सेकंड हमारा है y, y क्या है, y equal to m1 y2 minus 8 plus m2 y1 कितना है 10 divided by m1 plus m2. y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी 6 क्योंकि हमारे को कोऑर्डिनेट गिवन है. सॉल्व करेंगे इसको, 3m1 minus 6m2 divided by m1 plus m2, ये minus 4 है, ये जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, minus 4m1 minus 4m2 equal to 3m1 minus 6m2, m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, minus 4m1 minus 3m1 equal to minus 6m2 रखे plus 4m2 minus 7m1 equal to minus 2m2. इसको सॉल्व करेंगे, minus m को m1 upon m2 रेशियो आ जाएगा minus 2 upon minus 7, minus से minus cancel तो रेशियो आ गया हमारा 2 upon 2 is to 7. उसी तरीके हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी रेशियो आएगा वो सेम ही होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6m1 plus 6m2 equal to minus 8m1 plus 10m2 plus कर इसको m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, फिर m1 plus 8m1 equal to 10m1 minus 6m2 14m1 equal to minus करेंगे 4m. ये m2 होगा, m2 तो m1 upon m2 equal to 4 divided by 14 to 7, ratio आ गया 2 is to 7. तो ये हमारा ratio दोनों में सेम आएगा, अगर हम दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोनों साइड से coordinate x के और y के लेके, दोनों साइड से हमारे ratio सेम आना चाहिए. अगर ratio सेम आया तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है. इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ratio क्या प्रूव हुआ, 2 is to 7. अब इसी रेशियो को लेके हम फाइंड कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे. सपोज क्वेश्चन में दिया हो कि अभी तो हमको दिया इनवर्ट रेशियो, कि हमें रेशियो निकालना है. अगर क्वेश्चन में दिया हो इफ द रेशियो इज दिस, तो आराम से पूछ ले कि ऑन व्हिच पॉइंट डिवाइड द लाइन दिस. अगर इस लाइन को अगर हम ऐसे करके डिवाइड करें, एक लाइन ले लें ए बी जिसके पॉइंट x1 y1 हो और बी पॉइंट जिस पे x2 y2 हो, तो इस पे जो हमारे को पहले पॉइंट दिया था कि पहले पॉइंट ही दे दिया. अब उनसे पूछा है कि पॉइंट ना देखिए रेशियो दे दिया 2 और 7, तो ये पॉइंट पूछ ले पी एक्स वाई, तो ये क्वेश्चन बताओ. इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या करेंगे सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे. सिर्फ हमने यहां पर एक्स वाई की वैल्यू पुट करी थी, यहां पर थी, अभी हम एक्स वाई की वैल्यू पुट ना करके m1 into m2 यानी कि m1 आ गया हमारा 2, m2 आ गया हमारा 7, इसको सॉल्व कर सकते हैं. इससे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, दोनों क्वेश्चनों से आप दोनों क्वेश्चन को निकाल सकते हैं. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है.